कोरोना महामारी के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरोना संक्रमण के कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। व्यवसायिक गतिविधियां ठप कर दी गई हैं, जिससे लोगों की आजीविका पूरी तरह प्रभावित हुई है। रोज खाने कमाने वाले गरीब मजदूरों के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया है। छतरपुर नगर के समाज सेवियों के सहयोग से दीनदयाल रसोई घर द्वारा गरीबों के घर घर भोजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है और रसोई घर का संचालन नगर पालिका परिषद छतरपुर के मार्गदर्शन में संगम सेवालय द्वारा किया जा रहा है। संगम सेवालय के संचालक विपिन अवस्थी ने बताया है कि इस वर्ष रसोई घर संचालित करने का कॉन्ट्रैक्ट शासन ने संगम सेवालय को दिया है, जिसमें 100 लोगों को 10 रुपये प्रति थाली के हिसाब से खाना खिलाना पड़ता है। परंतु कोरोना संकट काल के समय जन सहयोग से गरीबों को निशुल्क भोजन वितरित किया जा रहा है और शहर में 2200 पैकेट निशुल्क बांटे जा रहे हैं। इसमें शासन से कोई मदद नहीं ली जा रही है। उन्होंने बताया है कि कई समाज सेवी प्रतिदिन भोजन वितरण कराने और साथ ही में पैकेट पैक कराने में अपना समय दान भी दे रहे हैं और छतरपुर शहर में इस प्रकार से कई समाज सेवी संस्थाएं व स्वयं सेवी बंधु निःशुल्क देवदूत बनकर भूखों की भूख मिटा रहे हैं और साथ ही में उन्हें स्वादिष्ट भोजन भी दे रहे हैं। ऐसे समाज सेवियों की जगह जगह सराहना भी की जा रही है। हम यहाँ आए हैं जिला ग्राम छतरपुर में दीनदयाल अंत्योदय रसोई घर संचालित हो रहा है, जो गरीबों असहाय लोगों को निरंतर भोजन बांट रहा है। इस रसोई घर का संचालन संगम सेवालय द्वारा किया जा रहा है। हमारे बीच में है संगम सेवालय के संचालक विपिन अवस्थी जी, आइए जानते हैं उनसे किस प्रकार की जनता का उन्हें सहयोग मिल रहा है और किस तरीके से ये रसोई घर को चला रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत अवस्थी जी आपका हमारे चैनल। अवस्थी जी, ये रसोई घर इस कोरोना काल में जहां लोग कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, इसी स्थिति में लोगों के सामने भूख की भी संकट खड़ा हो गया है, किस प्रकार से आपका ये रसोई घर गरीबों के पास भूख लोगों के पास तक भोजन पहुँचा रहा है? जैसे कि लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमने देखा कि जो दिहाड़ी मजदूर हैं, झुग्गियों में रहने वाले हैं, उनका काम धंधा बंद है और उन्हें भोजन की अभी आवश्यकता है। तो हमने डीएमओ साहब और माननीय कलेक्टर साहब से अनुमति लेकर रसोई का संचालन किया, शुरू किया, जिसमें हमें समाज के सभी वर्गों का और सभी संगठनों का सहयोग प्राप्त हो रहा है और हमें भरपूर मदद हो रही है। इसी के तहत हम लोग प्रतिदिन 2200 पैकेट गरीबों में वितरण कर रहे हैं। जनता का और सरकार का इसमें किस प्रकार का सहयोग प्राप्त हो? जो रसोई चल रही है अभी लॉकडाउन में, वो पूरी तरह से जनता की रसोई है, जनता के सहयोग से और जनता के लिए संचालित हो रही है। इसमें अभी अपने शासकीय कोई मदद नहीं दी है और माननीय कलेक्टर ने एक दिन का पूरा अपने वितरण से दिया था। इसके अलावा दूसरे अधिकारी भी हैं, अभी जो संगठन है उन लोगों ने भी क्या हुआ है, हमें सहयोग दिया है। REIS के कर्मचारी संगठनों ने करीब 3 लाख रुपये हमें रसोई को संचालन के लिए दिया है और कुछ लोग ये समय दान भी कर रहे होंगे, आपका सहयोग करने आ गए होंगे। ऐसे हमारे यहाँ सेवा स्वरूप के हैं प्रशुल त्रिपाठी, देवभव अग्रवाल, इसके अलावा नीलम पांडे, रमन खान और देवेंद्र साहू, ये लोग हैं जो लोग आते हैं पैकिंग में और बंटवाने में हमारा हेल्प करते हैं। तो देखिए, ये विपिन अवस्थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया है कि ये संगम सेवालय के द्वारा जो रसोई घर चलाया जा रहा है, इसका पूरा उद्देश्य गरीब जनता को भूख से कोई परेशान ना होने पाए, उनकी भूख मिटाई जाए, इसलिए उनके घर घर जाकर लगभग 2200 पैकेट बांटे जा रहे हैं। इस प्रकार से कुछ जो है समय दान लोग कर रहे हैं, सेवा करने आ रहे, ऐसे भी कुछ समय दे रहे हैं, इस प्रकार की सेवा करने वाले लोगों को और भी बात। देवभव अग्रवाल जी हमारे बीच में है और हम इससे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से संगम सेवालय रसोई घर के संचालन में अपना समय दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। नमस्कार। लॉकडाउन जब से लगा है लोगों की आजीविका बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो अपनी आजीविका चलाने में असमर्थ हैं और दैनिक अपने भोजन के लिए भी प्रयासरत रहते हैं और उसकी व्यवस्था नहीं कर पाते, तो ऐसे में हम लोगों को नगर पालिका द्वारा संचालित दीनदयाल रसोई से प्रेरणा मिली कि हम लोग भी घर घर जाकर ये पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों तक भोजन पहुँचाएँ, ताकि कम से कम ये महामारी का समय गुजर जाए, दोबारा से वो अपनी जब जीवन वापस से पटरी पर आ जाएगा तो वो अपनी आजीविका फिर कमा सके। धन्यवाद। तो
देखिए ये समाज सेवी व्यवहार प्रवास के इस प्रकार से ये सहयोग कर रहे हैं। गरीब लोगों के पास, भूखे लोगों के पास भोजन पहुँचाने में अपना पूरा समय दे रहे हैं। लॉकडाउन में इस प्रकार से लोगों की अधिकतर प्रभावित हुई, लोगों की दुकानें बंद हो गई, छोटे छोटे व्यापारियों के व्यापार बंद हो गए, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही थी। ऐसी स्थिति में भोजन का संकट लोगों के सामने आ गया था। उस समाज सेवियों ने भी बढ़ करके हिस्सा लिया। छतरपुर शहर के रसोई घर की तीन चार रसोई घर के अलावा अन्य कई संगठन इस सेवा में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन सुंदर भाषा के साथ विनोद गुप्ता द्वारा वॉइस ऑफ राइट छतरपुर। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छतरपुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट।